नमस्कार, डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल में मैं डॉक्टर धारा आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इनसोम्निया, अगर आपको नींद नहीं आती है रात को तो उसके लिए आप क्या आयुर्वेदिक इलाज कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। नींद ना आने के मुख्य कारण हेक्टिक लाइफस्टाइल, चिंता और तनाव है। तनाव से न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है। कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों में ट्रिप्टोफैन ज्यादा मात्रा में होता है। यह एमिनो एसिड सेरोटोनिन के संश्लेषण में सुधार करता है। सेरोटोनिन एक केमिकल है जो नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेगों को एक केशिका से दूसरी केशिका की ओर ले जाने की अनुमति देता है। यह सेरोटोनिन का स्तर बढ़ने से अनिद्रा की तकलीफ हो सकती है। कुछ हर्ब्स चिंता के स्तर को कम करके या शारीरिक परिवर्तन जैसे कि मांसपेशियों को आराम देकर और हृदय की गतियों को धीमा करके नींद को बढ़ाती है। लवेंडर नर्व को आराम देता है, चिंता को कम करता है और मूड के विकारों को कम करता है, जिसके कारण रात की अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। उसके अलावा लवेंडर ऑयल माइग्रेन के अटैक के दर्द को भी कम करता है। लवेंडर ऑयल को सांस में लेने के बाद ईईजी स्टडी किया गया तो पता चला कि वह दिमाग के अल्फा वेव को बढ़ाता है। जीएबीए सेरोटोनिन को तोड़ता है जिससे स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन बढ़ता है जो नींद के लिए मदद रूप है। लवेंडर तंत्रिका को मजबूती देने वाला टॉनिक है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो नहाने के पानी में लवेंडर तेल की कुछ बूंदे ऐड कीजिए। उसके अलावा लवेंडर की चाय रोज 2 से 3 कप और लवेंडर के तेल को आप स्मेल कर सकते हैं या उसका चमड़ी पर मसाज भी कर सकते हैं। आप लवेंडर के तेल की कुछ बूंदों को डाइल्यूट करके अपनी चमड़ी, तकिया और चद्दर पर भी लगा सकते हैं। लवेंडर तेल को अपनी चमड़ी पर जैसे कि हाथ, सिर या पैर पर लगाने से पहले उसे कोई तेल के साथ डाइल्यूट कीजिए और थोड़ा सा लगाकर रिएक्शन नहीं होता तो ही उसे मसाज कीजिए। केमोमाइल को हल्का दर्द निवारक या नींद लाने वाला माना जाता है। केमोमाइल चाय में एपिजेनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो चिंता को दूर करने के लिए और नींद के लिए अच्छा है। केमोमाइल बच्चों और बड़ों के लिए समान रूप से प्रभावी है। केमोमाइल कैप्सूल को रोज 900 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं। केमोमाइल चाय रोज 4 कप पी सकते हैं। केमोमाइल तेल की 5 से 6 बूंद नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं। उससे मसाज करने के लिए आपको तेल को 2% तक पतला करना है। केमोमाइल टिंचर के भी 30 ड्रॉप दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। वेलेरियन के सूखी जड़ों का पाउडर, वेलेरियन अर्क और उसके अन्य पार्ट आप चाय, पूरक आहार, टिंचर, कैप्सूल और टेबलेट के रूप में ले सकते हैं। अमेरिका में अनिद्रा, घबराहट और बेचैनी के इलाज के लिए वेलेरियन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। वेलेरियन जीएबीए पर असर करता है जो सेरोटोनिन को ज्यादा मात्रा में बनाता है और मूड अच्छा करने के लिए मदद करता है। उसके अलावा मासिक धर्म के दौरान होने वाली तकलीफों में भी वेलेरियन मदद करता है। वेलेरियन कुछ दवाइयों के साथ प्रक्रिया करता है, इसके लिए उसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। बच्चों के लिए और गर्भावस्था के दौरान उसका इस्तेमाल मत कीजिए। वेलेरियन का पाउडर 450 से 600 मिलीग्राम सोने से 2 घंटे पहले ले सकते हैं। अगर इसे अन्य हर्ब्स के साथ मिक्स किया जाए तो ज्यादा अच्छा काम करती है, जैसे कि कैलिफोर्निया पोस्ता, स्कल कैप हर्ब्स और पेशन फ्लावर। 1 भाग तगर, 1 भाग वेलेरियन रूट पाउडर और 1 भाग केमोमाइल 1 ग्लास गर्म दूध के साथ मिलाकर सोने से पहले भी आप ले सकते हैं। वेलेरियन की चाय 1 कप, टिंचर 2 से 5 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। अश्वगंधा की जड़ का पाउडर शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए लिया जाता है। अश्वगंधा न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को आराम देने के लिए और मस्तिष्क की केशिकाओं को क्षति से बचाने के लिए काम करता है। तनाव का मुख्य कारण कोर्टिसोन की मात्रा बढ़ना है। अश्वगंधा तनाव को दूर करके नींद लाने में मदद करता है। उसकी पत्तियों में मौजूद TEG नींद को प्रभावित करता है। रात को खाने के बाद और सोने से पहले 1/4 से 1/2 चम्मच अश्वगंधा के पाउडर को दूध के साथ आप ले सकते हैं, या फिर रोज 1 अश्वगंधा की कैप्सूल या टेबलेट आप पानी के साथ ले सकते हैं। 300 मिलीग्राम अश्वगंधा दिन में 2 बार लेने से अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में अश्वगंधा लेने से पाचन की समस्या, दस्त, वॉमिटिंग और नोसिया भी हो सकता है, क्योंकि उससे आंत की सतह को नुकसान होता है। पेशन फ्लावर, अमेरिका के कुछ हिस्सों में बैंगनी, लाल और नीले रंग का पेशन फ्लावर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसका इस्तेमाल चिंता, अनिद्रा, दर्द, ऐंठन और दौरे जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। पेशन फ्लावर मस्तिष्क में गाबा के उत्तेजन को रोकने के लिए जिम्मेदार है। उसके चिंता विरोधी और शामक प्रभाव के कारण वो मूड को ठीक करता है और मन को शांत करता है। गर्भवती महिला और स्तनपान
कराने वाली महिलाओं को पेसन फ्लावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेसन फ्लावर 200 से 400 मिलीग्राम कैप्सूल खाने के साथ आप ले सकते हैं। पेसन फ्लावर के तरल का अर्क 30 से 60 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं, या फिर पेसन फ्लावर का कैप्सूल, टेबलेट और चाय 1 कप दिन में 3 बार ले सकते हैं। रोटेशनल स्लीप सप्लीमेंट में भी 200 मिलीग्राम पेसन फ्लावर सप्लीमेंट तीसरे और सातवें दिन दी जाती है। शांत गुण और स्ट्रेस दूर करने के लिए तुलसी को जाना जाता है। आधी रात को जब आप नींद से जाग जाते हैं तो उसके लिए कोर्टिजोल नाम का तनाव का हार्मोन कारणभूत है। तुलसी कोर्टिजोल के लेवल को कम करती है। तुलसी के अर्क को गोली या कैप्सूल के रूप में रोज 300 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम तक लिया जा सकता है। तुलसी के पूरे पौधे को औषधीय गुण के कारण ले सकते हैं। तुलसी का अर्क 2 से 5 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप तुलसी को कच्चा खाने के लिए, खाना बनाने में डालने के लिए, तुलसी की चाय, अर्क और कैप्सूल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 से 90 दिनों तक 500 मिलीग्राम तुलसी की पत्तियों के एक्सट्रैक्ट को भी आप ले सकते हैं। ज्यादा मात्रा में तुलसी लेने से भी साइड इफेक्ट होता है। जंगली लेट्यूस में लेक्टुकेरियम नाम का दुधिया तरल होता है जिसमें एंजाइमिक और सामक गुण होता है। यह नसों को शांत करता है और अनिद्रा में आराम देता है। उसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट होने के कारण होम्योपैथिक दवाई में बच्चों की नींद के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्यूस की कैप्सूल रोज 400 से 500 मिलीग्राम ले सकते हैं। 1 कप उबलते पानी में 1 से 2 बड़े चम्मच सूखी हुई जड़ी बूटी या पाउडर 1 से 2 चम्मच चाय बनाने के लिए आप ले सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स जंगली लेट्यूस को आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। सेंट जॉन्स वॉर्ट एंटी डिप्रेशन और अनिद्रा में सहायक है। वह गाबा रिसेप्टर को उत्तेजित करता है और नींद के लिए कारणभूत है। उसके अलावा सेरोटोनिन के उत्पादन को भी बढ़ाता है जिससे डिप्रेशन कम होता है और अच्छी नींद आती है। अगर आप उसको चमड़ी पे लगा रहे हैं तो धूप में मत जाइए। टिंचर को आधी से 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। कैप्सूल या गोली रोज 1 से 2 दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। इसका पूरा असर होने के लिए 2 से 3 सप्ताह का वक्त लगता है। अगर आपको कोई रिएक्शन या साइड इफेक्ट है तो डॉक्टर का संपर्क जरूर कीजिए। हेल्थ के लिए उपयोगी इन वीडियोस को जरूर देखिए। अपनी हेल्थ रिलेटेड समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके डाइट, योगा और आयुर्वेदा चैनल को सपोर्ट कीजिए। नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।